सर कांग्रेस वाले जो यहां बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी जीत का केक कट रहा है, जो बीआरएस और बीजेपी वाले हैं वो बोल रहे हैं कि यहां पे जीत हुई नहीं, रेवंत रेड्डी इज सेलिब्रेटिंग इवन बिफोर ही इज वन. दिस इज टिपिकल ऑफ द कांग्रेस, दे सेलिब्रेट बिफोर विक्ट्री. कम वेलकम. ये कांग्रेस जीत से ज्यादा केसीआर हार के केक हम काटे, क्योंकि यहाँ के जनता तय कर दिए इस बार केसीआर को हराने के लिए, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर परिवार वर्सेस पूरा तेलंगाना परिवार के चुनाव हो रहे. व्हाई इज इट सो पर्सनल फॉर यू दिस बैटल? आई सी यू आर वन ऑफ द फियर्सेस्ट ओपोनेंट्स ऑफ केसीआर इन अ स्टेट वेयर एवरीबॉडी सीम्स कोऑप्टेड इन सम वे ऑर द अदर. Why is this so personal for you? It is not personal. बहुत ज़्यादा उम्मीद से, बहुत ज़्यादा 1200 लोग शहीद होकर हम तेलंगाना हासिल किए. हर दूसरे प्रदेश के जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे हमारा स्टेट नहीं बने. हमारा स्टेट बने, 1200 लोग शहीद होकर हम हासिल किए. So what do you think he's done wrong? Where did the तेलंगाना विजन दैट यू हैड टुगेदर नॉट कम टुगेदर? जो यहाँ के योद्धा के कुर्बानी जो है वो टेक इट ग्रांटेड पे ले ली है. ये समझ रहा है ये सक्सेस उनके परिवार के. अरे भाई, उनके परिवार ने किया बतकम्मा के लिए या बोनालू के लिए या नहीं तो सकल जन समय में एक भाषण दिए, इतना ही किए उनके परिवार ने. रास्ता रोक किए, बंद में पार्टिसिपेट किए, जान थोड़ी दिए, जान हम दिए, कैसा हम उठाए, जेल को हम गए, कुर्बानी हम दिए. हमारे कुर्बानियों के ऊपर इनका लाइफ इतना फ्लरिश हो गए. यू टेक हिज इलेक्शन अफिडेविट्स फ्रॉम 2004 टू 2014, 2014 टू 2024 कि 2004 में उनके अफिडेविट में उनके परिवार के कोई भी हो, व्हाट वाज़ द फाइनेंशियल स्टेटस till 2014 inka financial status kya tha? No, but KT Rama Rao was here this morning and he said Telangana has prospered. When we came in, the GSDP per capita was 1 lakh rupees, is now 3 lakh rupees plus. Telangana on various socio-economic parameters is now among the top performing states of the country, and that has happened on KCR's watch. Sir, aapko liberalization jab kiya tha, PV Narasingh Rao ji ne ek baat kiya, kaha tha अगर कोई भी लिबरलाइजेशन फ्रूट मिलने के लिए कम से कम 10 साल लगने वाले हैं. तो जो हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू जी 95 के बाद जो शुरू किया आईटी, आउटर रिंग रोड, वॉट एवर प्रोसेस, फार्मा, मेडिकल, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कंटिन्यू की, तो वही जो तरक्की हुआ है उसका प्रॉफिट आज हम देख रहे हैं. मगर नया कोई टीआरएस या केसीआर केटीआर ने पूरे तेलंगाना में एक मेमोरेबल थिंग आप दिखा. आउटर रिंग रोड ने हम ही ने बनाया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम ही ने बनाया, आईटी कंपनीज हम ही लाए, फार्मा कंपनी जितने भी ये कांग्रेस ने शुरू किया, मेट्रो रेल हम ही ने बनाया, फ्लाईओवर्स हम ही ने बनाए, लैंड ऑर्डर कंट्रोल हम ही ने किए, कम्युनल वायलेंस को पूरा खत्म कर दिया हम लोग. तेलंगाना में जितने भी इरीगेशन प्रोजेक्ट्स है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, भीमा, नेट्टमपाड़ो, कोयल सागर, कल्वकुर्ति, श्रीराम सागर, देवादुला, इंदिरा सागर, राजीव सागर, जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, मोर देन 70 लाख एकर्स को हम पानी दिए. आप क्या किए सर? आप लोग ये शुरू किए, हम लोग शुरू किया प्राणहिता चेवला, नाम बदल दिए, रीडिजाइनिंग के नाम पे 1 लाख करोड़ रुपए लूट लिए. पालमूर रंगारेड्डी हम शुरू किए 35,000 करोड़ एस्टिमेशन से, वो एस्टिमेशन इतना बढ़ गया 1 लाख करोड़ को चला गया. सर, व्हेन यू आर सेइंग हमने बनाया, असदुद्दीन ओवैसी वाज आल्सो हियर, ही सेइंग वो खुद कांग्रेस की नहीं है, वो आरएसएस की है. कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो रूट्स आर फ्रॉम आरएसएस. व्हेन ही सेइंग वी गेव कांग्रेस तेलंगाना, वी डिड दिस, ही हिमसेल्फ इज नॉट फ्रॉम कांग्रेस, हिज रूट्स आर फ्रॉम आरएसएस, इज व्हाट द एलिगेशन अबाउट. कॉन्टेक्स्ट, लेट मी जस्ट टेल आवर व्यूअर्स, रेवन भाई, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट फॉर दोज हु डोंट नो, रेवन रेड्डी स्टार्टेड हिज पॉलिटिक्स एज अ विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेंबर, एंड यू बीन इन द टीडीपी, यू बीन इन द टीआरएस, तो बोल रहे कि आप कांग्रेस वाले हो ही नहीं. भाई, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, मैं यंगर डे स्टूडेंट डेज में मैं विद्यार्थी परिषद का एक्टिव मेंबर था. मैं ऑफिशियली हैव डिस्क्लोज्ड
आप लोग कोई क्या असदुद्दीन ओवैसी और किसी ने इसको ढूंढ के नहीं लाया. उसके बाद आई हैव गॉट इलेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट जेड पी टी सी. आई हैव गॉट इलेक्टेड एज एमएलसी इंडिपेंडेंट इन लोकल बॉडीज. टीआरएस जो क्लेम कर रहा है तेलंगाना आंदोलन के लिए हम मदद किए, तब टीआरएस था ना, उनके बी फॉर्म से चुनाव क्यों नहीं लड़ा मैं? अगर टीआरएस के पार्टी का कार्यकर्ता मैं रहा तो 2006 आई हैव गॉट इलेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट जेड पी टी सी. 2007 आई हैव गॉट एज एमएलसी इंडिपेंडेंट. तब टीआरएस पार्टी था, केसीआर था ना, सेंट्रल मिनिस्टर, यू वर सेंट्रल मिनिस्टर. तो टीआरएस से मेरा कोई लेना देना नहीं है. टीआरएस के परिवार मेरे घर पे आते थे, भाई आप तेलंगाना के, आप कुछ मदद करो. हाँ, हम सोचा तेलंगाना हासिल करने के लिए हम लोग कोई ना कोई ये मुद्दा उठा रहे, उनके लिए हम मदद किए. कोई पार्टी से लेना देना नहीं है. दिस इज द पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, यस आई हैव गॉट इलेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट, देन आई हैव जॉइंड विद चंद्रबाबु नायडू. All those years, I've got, twice I've got elected from TDP as MLA. Yes, आज भी मैं क्लेम करता हूँ, मैं तेलुगु देशम में इतना तरक्की किया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में मुझे ज्वाइन करवा लिए. कांग्रेस पार्टी में मेरे कुछ पोजिशन मिला है. तो दिस इज द DNA प्रॉब्लम. यहाँ के लोग ये सोच रहे हैं. आपका DNA क्या है? विद्यार्थी परिषद का DNA है, तेलुगु देशम का DNA है, कांग्रेस का तो DNA था नहीं, वो तो बाद में. आपका DNA क्या है? तेलंगाना DNA. मेरा DNA तेलंगाना. KCR का DNA बिहार. ही बिलोंग्स टू बिहार. बिहार, यस. कुर्मिस, द कास्ट, KCR कास्ट बिलोंग्स टू कुर्मिस. दे हैव माइग्रेटेड टू विजयनगरम, विजयनगरम टू तेलंगाना. सो द वेलमा कास्ट इज फ्रॉम द आउटसाइड इज व्हाट यू आर सेइंग? कुर्मिस, कुर्मिस. इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश दे आर कुर्मिस. दे हैव माइग्रेटेड टू विजयनगरम आंध्र. फ्रॉम देयर टू हियर they have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. Bihar DNA se Telangana DNA better hai. Mera 10 generations ko aap dhoondo. Hum Telangana ke hai. पर कांग्रेस के नहीं है बोल रहे, तो कांग्रेस वाले बोले जा रहे हैं ऐसा ना हो ना कि बैट्समैन हमने बैटिंग करने के लिए भेजा और बैटिंग दूसरी टीम के लिए करने लग गया. भाई मैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी इज द कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म. मगर यहाँ के मामला DNA का मामला है. तेलुगु देशम पार्टी शुरू किया NTR ने. यहाँ के ज़्यादा जो भी डेवलपमेंट हुआ, वेलफेयर दिए तेलुगु देशम ने दिया. मगर लोगों के माइंड में ये परसेप्शन है कि ये पार्टी आंध्रा पार्टी. तो कभी भी मैं जनता में गए तो भाई ये आंध्रा पार्टी है ना, आप कितना भी करो, आप कितना अच्छा भी हो, मगर आप नायडू पार्टी में रहे तो नायडू आंध्रा के है, नायडू आंध्रा के लिए सोचेंगे, आप उसमें रहा तो तेलंगाना के लिए दिक्कत है. तो मैं पूछा क्या करूं भाई, एक तेलंगाना DSO पार्टी है, एक तेलंगाना को एंजॉय कर रहे सो पार्टी है, दोनों में एक पार्ट चुनो. बोले जो तेलंगाना दिया वो पार्टी में गया. जिस दिन 2017 अक्टूबर 30th आई हैव जॉइंड इन कांग्रेस पार्टी अंडर लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी, उस दिन ना तेलंगाना में पावर में नहीं था, उस दिन केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं था, फिर भी मैं क्यों गया? 2007 जून आई हैव गॉट इलेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट MLC. देन आई हैव जॉइंड नायडू पार्टी. तभी भी नायडू पार्टी अपोजिशन में था. राजशेखर रेड्डी जी वॉज चीफ मिनिस्टर, पावरफुल चीफ मिनिस्टर. मेरा पूरे रिलेशन, मेरा परिवार, सब लोग कांग्रेस में थे. मैं चाहे तो मैं सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी में, पावर में जो पार्टी था वही पार्टी में ज्वाइन होते थे. ओके, सो व्हाट इज योर विजन फॉर तेलंगाना? बिकॉज द बिग बज, एज आई एम श्योर एवरीवन सिटिंग हियर एंड वाचिंग ऑन टेलीविजन एंड सोशल मीडिया नोज, इज दैट इन द इंटरनल सर्वेज ऑफ द कांग्रेस, रेवंत रेड्डी इज कमिंग वे अहेड ऑफ एनी अदर कांग्रेस लीडर. देयरफॉर लॉजिक, एंड एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट यूनिट, लॉजिक सजेस्ट दैट इफ द कांग्रेस वर टू विन, रेवंत रेड्डी हैज the advantage in the race to be chief minister. Aapka is manch pe aap hamare darshakon ko, national audience ko batao ki aapka vision kya hai. How is your vision different from that of the BRS or the BJP? Abhi sab log limited version soch rahe. Comprehensive Telangana ke liye koi socha bhi nahi aaj tak. To mera plan hai comprehensive Telangana. Comprehensive Telangana ka matlab up to outer ring road. Aapko to outer ring road pata hai. Up to outer ring road, inside of the outer ring road is urban Telangana. Outer ring road to regional ring road, that is suburban Telangana. Regional ring road to Telangana border, that is rural Telangana. The Hyderabad is the center place for entire Telangana.
तो ये तेलंगाना के लिए एक बिग मास्टर प्लान चाहिए. आज तक ऐसे मास्टर प्लान किसी के हाथ में नहीं है, कोई सोचा भी नहीं. क्या है आपका मास्टर प्लान? तो ये अर्बन तेलंगाना को कैसे डील करना, सबर्बन तेलंगाना के लिए क्या करना है, रूरल तेलंगाना के लिए क्या क्या करना करोगे? तो मैं ये अर्बन तेलंगाना के लिए यहाँ के लोगों को रहने के लिए यहाँ पर सिक्योर करना, रोड वाइडनिंग के साथ साथ नाला क्लियर करना, वाटर लैक्स को क्लियर करना, उसके बाद सबर्बन में जो डेवलपमेंट कमर्शियल क्राप्स के लिए और यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटी जो होना है, आईटी कंपनी से लेकर फार्मा कंपनीज तक, मेडिकल एंड एजुकेशन हब एंड स्पोर्ट्स. वी हैव क्रिएटेड गच्चिबौली स्टेडियम. तेलंगाना इज द प्लेस वर यू कैन हैव 365 डेज यू कैन वर्क. तो यहाँ जो वेदर कंडीशन है, ये वेदर कंडीशन को वी हैव टू कन्वर्ट इन टू द फाइनेंशियल थिंग. रूरल तेलंगाना एग्रीकल्चर के लिए प्लान करना है. तो ये अर्बन तेलंगाना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यहाँ के लोग जो काम करते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, सर्विस सेक्टर को यहाँ पर प्लानिंग करना, सबर्बन एरिया, रीजनल रिंग रोड, आउटर रिंग रोड से लेकर रीजनल रिंग रोड तक, सबर्बन एरियाज में आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज, मेडिकल एंड एजुकेशन, ये सब सारे क्लस्टर्स बना के क्रिएट करना है. और दूसरे गंडीपेट से लेकर मूसी रिवर, आपको तो पता है दिस मूसी रिवर इज हैविंग इट्स ओन हिस्ट्री. निज़ाम जब था, फ्लड्स आए, 10-20,000 लोग मर गए. तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय बड़ा प्लान बना है, इसीलिए गंडीपेट, हिमायत सागर है, सब सारे जो फ्लड्स को अरेस्ट करने के लिए और हैदराबाद ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए. वहाँ से लेकर नलगोंडा में मूसी रिवर है, जो मूसी एरिया पूरा इंक्रोचमेंट में चला गया, अभी एकदम इतना पोल्यूट हो गए कि हैदराबाद शहर को पूरा कहा जा रहा है पोल्यूशन से. इसीलिए जैसा रोड वाइडनिंग, रोड इंक्रोचमेंट्स आप क्लियर करें, मूसी रिवर को कंप्लीट इंक्रोचमेंट्स को क्लियर कर देना, लैंड एक्वेशन अगर चाहे तो कंपेंसेशन देना, पूरे पूरे क्लियर कर दे के जैसा पूरा शहर में जो पानी के आपको जो फॉरेन में जो व्हाट इज दैट कंट्री वेनिस में जो सिस्टम है वो सिस्टम में कंप्लीट वाटर लेवल, वाटर कंट्रोल लेवल्स बना दे के अगल बगल में कंप्लीट मार्केटिंग, जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हम जगह बनाना चाहते हैं, वो भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल में. दिस इज योर विजन. द कांग्रेस विजन इज द सिक्स गारंटीज वेलफेयर इन कर्नाटका, द सेम 5 गारंटीज विच वर इंप्लीमेंटेड. Your own colleagues in Karnataka, many netas in the last 3 months have given statements in the media that guarantees ki wajah se hamare paas development ki paisa nahi hai, including DK Shivkumar. Kya wahi hoga Telangana mein bhi, shortage of funds, implementation of guarantees ke liye? But guarantee is a welfare. Main jo chacha kar raha hu, that is development. Development ke liye there are n number of, abhi sarkar paise se bina paise bhi hum kar sakte. It is like Amravati. अमरावती में सरकार के पैसे कुछ नहीं है, लैंड पुलिंग किए, डेवलपमेंट लाए, कॉरपोरेट कंपनीज को लेकर आए, लैंड एलोकेट किए, सब सारे किए. तो ये मूसी रिवर में जो भी जो हम डेवलपमेंट करने वाले करने के लिए हम सोच रहे हैं, जो मास्टर प्लान में, बिग मास्टर प्लान में, उसी में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो इंटरनेशनल कंपनीज को, MNC कंपनीज को हम वेलकम करेंगे, ग्लोबल टेंडर बुलाएंगे, ग्लोबल टेंडर से हम लोगों को 4 क्लस्टर या 5 क्लस्टर्स डिवाइड करने वाले हैं. ईच क्लस्टर में अभी जितने भी हैदराबाद में रोड के ऊपर जो बिजनेस चल रहे, छोटे छोटे मतलब वेजिटेबल से लेकर हर चीज़ सड़क पे भेज रहे, तो ये लोगों को पूरा हम वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे. 24/7 हम वहाँ पर एक्टिविटी रहने वाले हैं. तो वो टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे और बिजनेस सेंटर भी बनाएंगे, तो हमारा इनकम भी बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हम करने वाले, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, क्योंकि 24/7 अगर काम किए तो 3 shifts यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाले. लैंड ऑर्डर हम कंट्रोल कर देके, जैसा भी आप सिंगापुर देखे, तो हर जगह में वर्ल्ड वाइड वी हैव एन एक्सपोजर. तो वर्ल्ड में द बेस्ट थिंग्स क्या क्या है यहाँ पर लाने वाले, आपको तो राजकोंडा पता है, राजकोंडा एरिया में यू विल गेट 50,000 acres ऑफ लैंड ईजीली. वी कैन पूल दैट लैंड, वी कैन क्रिएट अनदर सिटी. नाउ द सिटीज आर combination of 3, Hyderabad, Secunderabad, Cyberabad. We are going to create one more city in Rachakonda area with
pooling of land, 50,000 acres. We are going to construct a big city, a role model city for the world. One of the big controversies in this election has been the charge that you've been selling tickets. We saw, for example, K. Vijay Kumar leveling this charge of selling tickets. We've seen the likes of Ponnala Lakshmaiya again leveling charges against you. So lots of Congress leaders seem to have problems with your leadership. Or aap pe aarop lag raha hai ki aap ticket ki bechte ho. Kitne ki bechte ho ticket hai? Ye jo ticket bechne ke baad jabhi bhi aaya, mera dil khushi ho jata hai. क्योंकि जिस दिन मैं कांग्रेस के अध्यक्ष बना था तब मीडिया लोग बोलते थे कोई कांग्रेस पार्टी का टिकट ही पूछने वाले नहीं है, 50-60 सीटों में कोई कैंडिडेट ही नहीं है बोल रहे थे. आज के तारीख में मेरा टिकट ब्लैक में बिक रहा है. कितने का बिकता है सर ब्लैक में? तो आप ही बोलना कितने में बिक रहा, आपको कितना समाचार है? KTR I have created a demand. बस आप लोग समझो, जो जिसको टिकट नहीं मिला है उनका सिंपल एलिगेशन है कि भाई टिकट बेच दिए. BRS का कहना कि करोड़ों में बिक रहा है. हाँ भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे टिकट करोड़ों में ब्लैक में बिक रहा बोले तो मेरा पार्टी जीतने वाले है. दिस इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी कि वो खुद मान ले रहे, अरे रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में टिकट बिक रहा है, करोड़ों में जा रहा है, मेरा टिकट कोई पूछने वाले नहीं है बोल के KCR KTR खुद कह रहा है. इसका मतलब हार मान लिए. तो इसीलिए मैं खुश होता हूँ. जब मैं अध्यक्ष हूं जो भी आया मैं लेना ही पड़ता, क्योंकि गुड बैड अगली वॉट एवर इट इज, पैसा फॉर टिकट कुछ भी हो भाई. मैं इसीलिए आप बता, आप ऐसे बोल रहे, मैंने पूछा कि सर एक टिकट अभी कितने का बिक रहा है. भाई आप उन लोगों को पूछो, मैं बोल रहा हूं मेरा टिकट के लिए डिमांड है. मेरा डिमांड ऐसे है कि कांग्रेस के टिकट मिले तो हम जीतने वाले है. तो इतना तो मैं अजहरुद्दीन, मेरा कलीग्स माधु यास की, मेरा CLP बटी विक्रमार्का जी, हम लोग मेहनत किए, हमारे मेहनत के वजह से आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी टिकट के लिए क्यों खड़ा हुआ है. 119 टिकट के लिए 1000 प्लस एप्लीकेशंस है विद द रेट ऑफ 50,000. वी हैव SC/ST फॉर 25,000, नॉन SC/ST 50,000 एप्लीकेशन के लिए हम लगा है. 1068 एप्लीकेशंस है. इसका मतलब आप समझो हमारा डिमांड कितना है. तो ऑफिशियली आई हैव टेकन दैट अमाउंट, 25,000 रुपीज पर एप्लीकेशन SC/ST, 50,000 रुपीज फॉर नॉन SC/ST. तो 1000 प्लस एप्लीकेशंस ने खरीदा है. इसका मतलब तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने वाले. जब आप रेवंत रेड्डी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो निकल के आता है कि मई 2015 में आपको अरेस्ट किया गया ऑन अ कैश, ट्राइंग टू ब्राइब अ TRS MLA. एल्विस स्टीफनसन नॉमिनेटेड MLA थे, उनको आप चाहते थे कि TDP के एक MLC के लिए वोट करें. आप 6 महीने जेल में भी रहे, हाईकोर्ट ने आपको कंडीशनल बेल दी. सो योर ट्रैक रिकॉर्ड हैज दिस वेरी बिग ब्लेमिश इन इट. दागा है आपका ट्रैक रिकॉर्ड. वो मेरा मेडल है. मेडल क्योंकि हाँ, 2001 से 2014 तक हम राजनीति में था, एक केस भी नहीं है मेरा ऊपर. 2014 KCR मुख्यमंत्री बनने के बाद 158 केसेस, 14 to 19 to till date 89 केसेस. इसका मतलब 200 प्लस केसेस मेरा ऊपर लगाया सरकार ने. किसी में भी मैं रिश्वत लिया केस नहीं है इसमें. मैं तो जनता के लिए लड़ा है. ये तो दे रहे हो आप? नहीं, ये देने का भी वही आरोप है. मैं वही बात पूछ रहा हूं भाई, जब आदमी रिश्वत ले रहा है उसको क्यों अक्यूज्ड नहीं बनाए? अगर ये सचमुच केस सही केस रहा तो KCR को कोई बायस्ड इंटरेस्ट नहीं है, KCR को किसी को फंसाने का सोच नहीं है. तो जो रिश्वत लिया जो रिश्वत दिए दोनों को अक्यूज बनाना है. दिया बोल के मुझे जेल को भेजा है, जो लिया लिए सो वाले को 6+6 विथ बुलेट प्रूफ व्हीकल सिक्योरिटी सब सारे दिए. इसका मतलब क्या है? तो दिया आपने, पैसा नहीं दिया? नहीं, वो KCR कहना वो दिया नहीं दिया, वो किस लिए फंसाए, किस लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो किस लिए डर रहा है, वो उसका डर का मतलब क्या है? डरता है KCR आपसे? फिर उनको असेंबली में मेरे आंखों के आंख लगा के आंखों में देखो बोलो उनको. आपने अनाउंस किया, इतना छोड़ो मेरा नाम लो बोलो, जो इतना जलसा कर रहा है, इतना मीटिंग कर रहा है, उन्हों मीटिंग में मेरा नाम तक ले बोलो उनको. उनको इतना हिम्मत नहीं है. नहीं, क्योंकि आई एम श्योर एवरीवन सिटिंग हियर ऑलरेडी नोज दैट इन द खामारेड्डी सीट यू अनाउंस दैट यू विल फाइट अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर. ये कुछ ज्यादा बड़ी लड़ाई अपने लड़ रहे सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ? भाई पार्टी आदेश दिया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर NTR को मेरा खुद के गांव हरा है.
एनटी रामाराव को कलवकुर्ती असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट से वहां के लोग उससे पहले जो आदमी चुनाव लड़ा था वार्ड मेंबर के लिए लड़े तो वो हार गए थे. वो आदमी को कांग्रेस पार्टी टिकट दिया, वो आदमी ने एनटीआर को हरा दिए. ये तेलंगाना है, तेलंगाना में कोई बड़ा नहीं है, यहाँ के जनता बड़ा है. तो इसीलिए कामारे को लग रहा है आप सीएम को हरा दोगे? मैं नहीं, जनता हराएंगे भाई, मैं कौन हूं. मुझे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने आदेश दिया आप जाके वहां पर चुनाव लड़ो. आपका मन नहीं था जाने का? मेरा नहीं, बीइंग एन ए पीसीसी प्रेसिडेंट इफ आई हैव माय ओन प्रायोरिटीज आल्सो आई कैन नॉट डिस्क्लोज. पार्टी हैज टू टेक ए कॉल. पार्टी ने यह बात दिया कि जाओ जाके आप वहां पर केसीआर के खिलाफ चुनाव लड़ो, हरा दो. तो गया मैं सीधा वहां पर जा रहा हूं. 10 तारीख मेरा नॉमिनेशन है, प्लीज कम एंड सी द माय नॉमिनेशन प्रोसेस. कितने लोग आएंगे, क्या होने वाला है. कल केसीआर का है, 9 तारीख कामारेड्डी में केसीआर का नॉमिनेशन है, आप गिनो. सो यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ अ कामारेड्डी विन अगेंस्ट द सिटिंग चीफ मिनिस्टर? यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ अ विन, यू आर सेइंग? मेरा मैं कॉन्फिडेंट हूं नहीं हूं ये छोड़ो, कांग्रेस के कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट है. केसीआर को हराने के लिए वो लोग तैयार हो रहे हैं. क्या सीएम दोनों सीट से हारेंगे या सिर्फ एक सीट से हारेंगे? अभी एक जगह में हार जा रहे हैं बोल के दूसरे जगह के लिए भाग गए ना उन्होंने. ये तो किस लिए गया उन्होंने? ये जो आपके समर्थक आपके साथ में आए ना, बड़े जोर जोर से ताली बजा रहे, क्या आपको किसी ने बताया अगर कांग्रेस जीतेगी तो आप सीएम बनोगे या अपनी तरफ से ऐसी ताली बजा रहे? भाई राहुल जी ने अभी तक केक कटवाया, सब सारे बोले ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है. इनडायरेक्टली इंडिया टुडे आल्सो प्रमोटिंग. ना ना पापा ना, बिल्कुल नहीं. अरे वाह, बहुत चालू है. देयर वाज अ डिस्क्लेमर. इससे पहले कि कोई ये सोचे कि हमने इनको प्रमोट किया, ये केवल जनता तय कर सकती है. 30 नवंबर को आपका 55वां जन्मदिन था, हमने केवल सर आपका जन्मदिन का केक काटा और वो भी डिस्क्लेमर के साथ. आपका प्रमोशन होगा डिमोशन होगा वो तो तेलंगाना की जनता को तय करना है. आप ऐसे हो थोड़े चालू बने देखा है, स्मार्ट हो थोड़े. राहुल जी आपका इरादा क्या है, आपके मन में क्या है, मैं ज्यादा जानकारी करने के लिए कोशिश नहीं किए. जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किए, बीइंग एन ए पॉलिटिशियन आई हैव टू यूटिलाइज एवरी अपॉर्चुनिटी. तो मैं इंडिया टुडे भी मुझे लिए मेरे लिए कुछ एक मौका दिए. तो यहाँ पर मैं सिंपल चीफ मिनिस्टर, अगर अजरुद्दीन साहब की भाषा में बात किया जाए तो इसको कहते हैं मौके पे चौका. तो मेरा सिंपल है, कोई भी हो कांग्रेस पार्टी के नेता ही मुख्यमंत्री. सवाल का जवाब नहीं दे रहे. मैंने पूछा क्या कांग्रेस पार्टी में किसी ऐसे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं यहाँ पे, क्या किसी ने आपको बताया कि अगर जीत होगी तो सीएम आप बनोगे या आप खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं? मैं पूछा ही नहीं अभी तक. मुझे अगर कांग्रेस पार्टी जीते तो मुझे मुख्यमंत्री बनाने का है, नहीं बनाने का है, कभी सोचे भी नहीं, पूछे भी नहीं. मेरा जिम्मेदारी है पीसीसी अध्यक्ष दिए, यही बड़ा जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी में. दिस द हाईएस्ट पोस्ट. बट आप तो रेस में हो ना सर. आई एम नंबर वन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन तेलंगाना. तो मेरा जिम्मेदारी है पार्टी को जिताने का. बस जिताने के लिए जितना मेहनत करना, जितना कोशिश करना, उतना कोशिश करते रहूंगा मैं. आर यू इन द रेस? बट बिकॉज लॉट ऑफ अदर लीडर्स आर सेइंग हाँ हम सीएम के रेस में हैं. है क्या? मेरे दोस्त है, अच्छा है ना, जितने सारे सीएम रेस में रहा तो वो लोग खुद ना खुद जीतेंगे ना चुनाव में, तो मेरा नंबर बढ़ जाएंगे. बट क्योंकि कर्नाटक में जो था वो 3 दिन लिया, हाई कमांड डिसाइडेड आफ्टर 3 डेज, बहुत मुश्किल हुआ कि सिद्धरामैया डीके शिवकुमार. इधर भी वही होगा अगर आप जीतेंगे तो. नागार्जुन आप गलत फहमी में है, अच्छा दिन नहीं था, 3 दिन बुरे दिन था. आप मीडिया के लिए कुछ स्पेस मिला, हमको पता है पहले क्या होने वाला है, हमको सब कुछ पता था कर्नाटक में क्या होने वाला है. 3 दिन के बाद अच्छा मुहूर्त था, मुहूर्त को मुख्यमंत्री बनाया. मगर ये कोई आपस में ऐसा बात हो रहे ये वो कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात ही नहीं है. क्लैरिटी था ऑलवेज. हाँ, सो वन ऑफ द बिग फैक्टर्स लुक्ड एट फ्रॉम अ डेटा पर्सपेक्टिव विल बी वेदर द माइनॉरिटी वोट stays with the BRS thanks to the support of Asuddin Owaisi and the AIMIM, or what percentage of the minority vote splits and comes towards the Congress? Kya aapko lag raha hai ki thoda hissa minority vote ka aayega, 50% aayega, ya bada hissa minority vote ka confidence hai? To yahan par aap urban Telangana, rural Telangana, do vertical ko aap division kar sakte. अर्बन तेलंगाना में भी हैदराबाद पार्लियामेंट अलग है, सिकंदराबाद पार्लियामेंट अलग है. हैदराबाद पार्लियामेंट में एनीवे एमआईएम पार्टी रिलेवेंस इज देयर, असद के लिए कुछ एडवांटेज है. और बाकी का रूरल एरिया में 14 एंड 18
जो उम्मीद था माइनॉरिटीज को केसीआर के ऊपर, वो उम्मीद अभी नहीं है, क्योंकि 4% रिजर्वेशन हमने दिया था, 4% बस नहीं होने वाले, 12% रिजर्वेशन देने के लिए ये कहा। हम लोग 51 मेडिकल एंड इंजीनियरिंग माइनॉरिटी कॉलेजेस माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए हम लोग दिए थे, अभी 41 कॉलेजेस बंद हो गए। जो सेक्रेटेरिएट में निजाम सरकार ने एक मस्जिद बनवाया था नमाज के लिए, दूसरी मस्जिद मुख्यमंत्री समता ब्लॉक के बगल में, सी ब्लॉक के बगल में, कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी जी और शब्बीर अली जी माइनॉरिटी एम्प्लॉय सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज के लिए मस्जिद बनवाया था नमाज के लिए। दो मस्जिदों को केसीआर ने शहीद करवाया। आज के तारीख में आप जाके देखो, जो सेक्रेटेरिएट बीच में था, दो मस्जिदों को शहीद करवा दे के बाहर निकाल के वो मिंट कंपाउंड में बनवा दिए। जो मस्जिदों को शहीद किए सो, 12 मस्जिदों को शहीद करवाया केसीआर ने, कभी असदुद्दीन ओवैसी सवाल नहीं उठाया। मैंने केस फाइल किया सेक्रेटेरिएट में, जो मस्जिदों को प्लेस ऑफ वार्शिप, आपको पता है 1996 के बाद अयोध्या राम मंदिर मुद्दा और वो मंदिर मस्जिद के मामले में जो होने के बाद एक्ट अमेंडमेंट हुआ प्लेस ऑफ वार्शिप, मतलब जगह के इंपॉर्टेंस है, स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वो जगह से हटा दिए मस्जिदों को, दो मस्जिदों को हटा दिए सेक्रेटेरिएट से बाहर और कहीं बनाए। कभी भी असदुद्दीन ओवैसी आवाज ही नहीं उठाया, मैं उठाया, शब्बीर अली जी उठाया, अजहरुद्दीन ने उठाया सर। तो जो मस्जिदों को मुख्यमंत्री जिसने शहीद करवाया, जो खुद के जाति के लिए जो आवाज नहीं उठाया, वो असदुद्दीन ओवैसी किस लायक के है? माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है उनको, उनके लिए एक बिजनेस है माइनॉरिटीज, उनके लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है असदुद्दीन ओवैसी के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी का जो साथ में भी एक जगह में चुनाव नहीं लड़ रहा है, राहुल जी आगे मैं दिखाऊंगा आपको, जो हम लोग रूरल तेलंगाना में भी माइनॉरिटी लीडरशिप बढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को हम जुबली से टिकट दिए, शब्बीर अली जी को, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं दिया आपने, मोहम्मद अजहरुद्दीन अजहरुद्दीन को दिए भाई, आपने कहा नहीं किसको उल्टा दे दिया, सॉरी। सो अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए, तो कामारेड्डी में हम शब्बीर अली जी को टिकट दिए, दोनों को हराने के लिए आज चुनाव लड़ रहे। एक जगह में केसीआर को ले जाके कामारेड्डी में चुनाव लड़वा रहे असदुद्दीन ओवैसी। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जहां पर निजामाबाद में शब्बीर अली जी चुनाव लड़ रहे, वहां पर माइनॉरिटी की वोट देने के लिए बात कह रहे या और किसी को देने के लिए? जहां पर जुबली में अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए, वहां पर अजहरुद्दीन को हराने के लिए आप कोशिश कर रहे। 2014 में आप टिकट दिए हिंदू को वहां से, 2018 में आप टिकट नहीं दिए, जो वो बंदा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो उनको पार्टी से एक्सपेल किए। 14 में हिंदू को दिया जुबली टिकट MIM, 18 में चुनाव ही नहीं लड़ा, इस बार एक माइनॉरिटी को हम टिकट दिए, तो दूसरे माइनॉरिटी को टिकट देकर अजहरुद्दीन को आप हराने के लिए कोशिश कर रहा है। जहां पर कामारेड्डी में एक माइनॉरिटी को हम जिताने के लिए कोशिश किए, तो वो शब्बीर अली जी के खिलाफ मुख्यमंत्री को लड़वा रहे। भाई आपका राजनीति क्या है, आप माइनॉरिटी के साथ है या केसीआर के साथ है? ये दो मुद्दे को असदुद्दीन ओवैसी को जवाब दो बोलो। तीसरी बात मैं उठाना चाह रहा हूं, इंडिया टुडे से पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों को मैं एक ही बात, मेरा गुजारिश है, जहां पर दार इस्लाम है MIM हेडक्वार्टर्स, दट हेडक्वार्टर कम्स अंडर गोशा महल, गोशा महल रिप्रेजेंटेटिव MLA राजा सिंह, राजा सिंह ने इतने गंदे गंदे बातें MIM के खिलाफ, असदुद्दीन परिवार के खिलाफ कह रहा है। राजा सिंह के खिलाफ ना खुद लड़ते नहीं, ना केसीआर को नहीं लड़वाता है, क्या राजनीति है? जहां पर दार इस्लाम है MIM हेडक्वार्टर्स, MIM हेडक्वार्टर जहां पर है वहां पर MIM चुनाव नहीं लड़ रहा है। पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों से एक ही मेरा गुजारिश है, अगर सचमुच मुसलमानों के लिए अगर उनके पार्टी को आगे लेकर जाना है, तो पहले असदुद्दीन ओवैसी खुद गोशा महल से लड़ना, आपका हेडक्वार्टर जहां पर है वहां से आप चुनाव नहीं लड़ रहे, आपके भाई नहीं लड़ रहे, आपके भाई रहता है बंजर हिल्स में, बंजर हिल्स आती है खैरताबाद, यहां पर आप चुनाव नहीं लड़ते। जहां पर असदुद्दीन ओवैसी रहता है शास्त्रीपुरम में, नाम है शास्त्रीपुरम, वो एरिया चेवेल्ला पार्लियामेंट में आते, आप चेवेल्ला पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ते। आप जहां पर खुद रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, जो पार्लियामेंट में आप चुनाव नहीं लड़ते, आपके कैंडिडेट नहीं लड़ते, आप खुद नहीं लड़ते। जहां पर आपका भाई है बंजर हिल्स खैरताबाद असेंबली, यहां पर आप चुनाव नहीं लड़ते। जहां पर आपका हेडक्वार्टर है MIM हेडक्वार्टर दार इस्लाम,
वहां पर गोशा महल जब चुनाव नहीं लड़ते, राजा सिंह रिप्रेजेंट कर रहा है वहां से। सर ये बार बार आप मुसलमानों से गुजारिश कर रहे हैं, जब बाकी लोग देखेंगे बोलेंगे आपकी हिंदुओं से गुजारिश नहीं है, सारा आपकी उम्मीद मुसलमान। उनका जाति का वो रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है ना, पूरा ठेकेदार बोल रहा है ना, हकदार बोल रहा है ना, आपके हकदार किससे मिला हुआ है, किससे मिला हुआ है, क्यों नहीं लड़ रहा है? वो गोशा महल असेंबली कम्स अंडर हैदराबाद पार्लियामेंट, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद पार्लियामेंट से एमपी चुनाव जीत लिए, आपके एमपी एरिया में गोशा महल असेंबली में आपका कोई कैंडिडेट नहीं है। आपको तो बहुत गुस्सा है असदुद्दीन के खिलाफ, गुस्सा नहीं, अगर हंग असेंबली हो गया तो उनका हेल्प लेना है आपको? भाई हकीकत बोल रहा हूं मैं, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, उनके बातों में नहीं गिरना बोल के हमारे भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि ये हकीकत है, ये हिंदू मुसलमान की मामला नहीं है, राजनीति का मामला है। ये राजनीति में आप बीजेपी के खिलाफ इतना लड़ना चाह रहे हैं, देश देश में जाके, हर प्रदेश में जाके चुनाव लड़ रहे, उत्तर प्रदेश जाके 100 सीटों में आप चुनाव लड़े, बिहार में जाके आप चुनाव लड़े, वेस्ट बंगाल में जाके चुनाव लड़े, कर्नाटक में जाके चुनाव लड़े, क्यों लड़ रहा बोले तो मैं बीजेपी को हराने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, यही बात है ना असदुद्दीन ओवैसी का? जहां पर आपका हेडक्वार्टर है वहां पर बीजेपी एमएलए उसको नहीं हराना चाह रहा है, मतलब क्या है? ये जो हमारे दर्शक इस वक्त सोशल मीडिया पे टेलीविजन पे देख रहे हैं, वो कुछ सवाल भी सजेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, उनमें से एक सवाल ये आया कि क्या अगर आप जीतते हैं किसी चांस से, जो आप बोल रहे हैं कि केसीआर उनकी फैमिली करप्ट है, क्या आप बीआरएस के नेताओं के खिलाफ और खासतौर से के चंद्रशेखर राव के खिलाफ अगर आप जीतते हैं करप्शन के चार्जेस पे कुछ एक्शन लेंगे या केवल बातें करके निकल जाएंगे? भाई मैं एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी में, प्रोसेस के हिसाब से काम होने वाले हैं, मतलब मेरे मुझे गुस्सा है निकालो केसीआर जैसा अंदर डालो, ऐसा जो पावर दिए वेलफेयर के लिए और स्टेट डेवलपमेंट के लिए लोग हमको पावर दे रहे हैं, तो कुछ भी प्रोसेस करना है, कुछ भी अगर एक्शन इनिशिएट करना है तो एक प्रोसेस है, मुझे भरोसा है प्रोसेस के ऊपर, बराबर जो करप्शन चार्जेस है हर किसी करप्शन चार्जेस के खिलाफ, पर्टिकुलर जो मार्टिर्स स्टैचू नया बना है, अंबेडकर का बना है, सेक्रेटेरिएट बना है, हर चीज इज अ सेंटिमेंटल वैल्यू, वो सेंटिमेंटल वैल्यू को भी करप्शन में कन्वर्ट कर दिया केसीआर ने, हर चीज में हम इंक्वायरी करेंगे, इसमें कौन कौन शामिल है, हर किसी को पनिशमेंट दिलवाने वाले है कांग्रेस पार्टी। आप कभी मिनिस्टर नहीं रहे ना? नहीं रहा। तो अगर आप सीएम बने तो आधा टाइम तो आपका समझते समझते लग जाएगा कि क्या करना है, फाइल समझते हैं कैसे मूव। राहुल जी मैं 20 साल अपोजिशन में हूँ, एनटी रामाराव कभी कुछ नहीं था, सीधा सीधा एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने, जितना वेलफेयर किया देश में, अब पूछो मत, एनटीआर वेलफेयर को देखो तो ये नहीं, पर एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रिप बनाने में टाइम लगता है। 20 इयर्स अपोजिशन में था, कौन कौन क्या क्या गलती किया हमारे आंखों के सामने दिखा, तो वो गलती नहीं किए तो वही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो केसीआर जितने गलतियां किए बस वो काम नहीं किए तो बस है अच्छा गवर्नेंस मैं दे सकता हूँ। बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूँ, एक तो केक काट दिया, फिर भाई मेरा लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम मैं केक काटा, केक काट सच कुछ बोल, कैसे हो सकता है? मैं केक काटने का बर्थडे सेलिब्रेट करने में मैं खिलाफ हूँ, ये 5 साल के अंदर बच्चे लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे के दिन कुछ अच्छा काम करो, लोगों के लिए काम करो, कुछ वेलफेयर करो, कुछ डेवलप करो, कुछ अच्छा करने के लिए एक डेट तय कर लो, भाई आगे मैं ये गलती नहीं करूंगा, नहीं तो आगे मैं तो क्या गलती नहीं करूंगा, क्या तय किया आपने? किसी को गाली देना छोड़ना बोल के छोड़ता हूँ मैं। किसको सबसे ज्यादा गाली आप किसको देते हो? आपको पता है मैं बोलने का जरूरी बोल दीजिए केसीआर को नहीं तो आपने डिसाइड किया कि केसीआर को गाली, ये आपका बर्थडे विश है? नहीं भाई मैं दोस्तों में केसीआर को गाली क्यों देता हूँ, उनके गलतियों को मैं गिनते रहता हूँ, अगर आपको वो गाली जैसा दिखे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट है, मेरा एनिमी नहीं है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन केसीआर एंड रेवंत रेड्डी। द लास्ट फॉर्मिडेबल कांग्रेस लीडर फ्रॉम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश वॉज ऑल्सो अनदर रेड्डी, राइट, वाई एस राजशेखर रेड्डी, वॉट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज दैट यू सी एज समबडी हू एस्पायर्स टू फिल दोज लास्ट शूज, डू यू ट्राई एंड मॉडल सम पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स अराउंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर? रेवंत रेड्डी इज रेवंत रेड्डी। मैं नायडू के साथ काम किया, कांग्रेस में काम किया, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा, जयपाल रेड्डी जी द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम तेलंगाना, माय होम डिस्ट्रिक्ट, माय होम टाउन, माय रिलेटिव, अगर रोल मॉडल लेना है तो जयपाल रेड्डी जी है, पीवी नरसिंह राव जी है, जो लिबरलाइजेशन इतना देश तरक्की के लिए जो काम किए, मरी चन्ना रेड्डी जी भी है तेलंगाना से,
बहुत सारे लोग हैं। बाकी देश के सीएम देखते हो, आपको कौन रोल मॉडल दिखता है? मैं अभी कुछ देखा ही नहीं, मैं सीएम के रोल मॉडल नहीं देखा, जो पब्लिक के चुनाव में जनता के तरफ से जनता के मुद्दों पे लड़ने वाले को मैं देखते रहता हूँ हमेशा, क्योंकि ऑल दीज इयर्स 20 इयर्स आई हैव बीन इन अपोजिशन, सो जनता के आवाज बनकर लड़ना मेरा इरादा थे, वही इरादे से 20 साल, क्योंकि बहुत सारे मौका मिला सरकार में ज्वाइन होने का, मंत्री बनने का, मगर कभी भी मैं वो ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं किए कि आई एम एंजॉइंग माई पोजिशन। Okay, clearly here's a man who's having fun. Now, whether he wins or loses, we don't know. That we'll know only on the 3rd December. But you're putting up a brave fight. You've answered several questions in the way that Revanth Reddy does. You're saying you're not modeling yourself on YS Rajshekhar Reddy. You are Revanth Reddy. There's no other Reddy that you're looking at apart from your relative Jaipal Reddy ji. Thank you very much for joining us. And aapne bola ki birthday pe kuch achha kaam karna chahiye. Ek achha aapne kaam kiya ki aap India Today ke Telangana Panchayat mein hai. So we appreciate that. We wish you all the best, Revanth Reddy ji. Thank you so much. Thank you, Rahul. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Very nice having you.